और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। वीवीपैट के मिलान की जो बात थी, वीवीपैट के मिलान की बात ईवीएम से, उस पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला आ गया है, पर्चियों से मिलान की मांग को खारिज कर दिया गया है। तो आज दरअसल ये फैसला आना था, फैसला रिजर्व रखा गया था, आज के लिए सुनवाई पूरी हो गई थी, और अभी बड़ी खबर आ रही है वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अहम फैसला। बीच चुनाव पर्चियों के मिलान की मांग की गई थी कि ईवीएम से पर्चियों की मिलान की जाए, और इस पर अब जो खबर आ रही है देश की सबसे बड़ी अदालत से कि यह मांग फिलहाल खारिज कर दी गई है। वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला, अहम फैसला, ईवीएम से मिलान की जो बात थी कि हर पर्ची की मिलान की जाए, वो वाली मांग खारिज कर दी गई है। आपको बता दें कि दो जजों की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की और सुझाव यह दिया गया है और आपको बता दें एक और अहम जानकारी, एक अपडेट आपको दे दें कि सुझाव दरअसल चुनाव आयोग को यह दिया गया है कि आप बारकोड का इस्तेमाल कर सकते हैं वीवीपैट में, यानी इस पूरी प्रक्रिया को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, पारदर्शी बनाया जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट का जोर नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर और अधिक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अंकित, क्या अपडेट है? और देखिए अखिलेश, इस वक्त के लिए सबसे बड़ी खबर तो यही है कि चुनाव आयोग की जो दलील थी, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना है, और जो तमाम लोग वीवीपैट और ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे उनको एक झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि 100% वीवीपैट और ईवीएम के नतीजों का मिलान नहीं हो सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक अहम निर्देश सामने आया है, वो निश्चित तौर पर काफी अहम है, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सिंबल लोडिंग यूनिट को सील किया जाए, 45 दिनों तक सील रखा जाए, यानी कि जब वोट हो जाते हैं उसके बाद भी 45 दिनों तक सील रखा जाए, जब जो चुनाव होने हैं उससे पहले से लेकर के बाद तक सील रखा जाए। यह सुप्रीम कोर्ट का एक अहम आदेश है। क्यों? क्योंकि अक्सर जो है आरोप यही लगता था ना कि ईवीएम में बटन कोई और दबाया, वीवीपैट की पर्ची कोई और आई, इस तरीके के आरोप लगते थे, जो सोशल मीडिया पर जो तमाम वीडियो वायरल होते थे, तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश ये दिया है कि जो सिंबल लोडिंग यूनिट होती है, यानी कि जो ईवीएम मशीन होती है जहां पर सिंबल लोड आपके पास आऊंगा, इस पर और ज्यादा विस्तार से जानकारी लेंगे, लेकिन एक और बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा दें, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जो मांग की गई थी ये याचिका भी खारिज कर दी गई है। यानी दो बड़ी खबरें सुप्रीम कोर्ट से, पर्चियों से मिलान की बात जो थी ईवीएम और वीवीपैट की, पर्चियों के मिलान की जो बात थी वो वाली याचिका भी खारिज हो गई है, और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई थी ये याचिका भी खारिज कर दी गई है। अंकित, अपनी बात पूरी कर लें। जी बिल्कुल अखिलेश, देखिए सबसे बड़ी जो उसमें जो दलील यही थी कि ईवीएम और वीवीपैट के ऊपर सवाल उठ रहे थे और कहा यह गया था कि बैलेट पेपर से चुनाव करवा लिए जाए, लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी भी सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई कर रहे जजेस की बेंच है, उनकी तरफ से कहा गया था कि हमने वो दौर देखा है जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, और आज की तारीख में जब चुनाव आयोग की जो दलील थी उसमें यह भी कहा गया था कि आज की तारीख में जब जैसे ही 96 करोड़ मतदाताओं की बात होती है, 97 करोड़ मतदाताओं की, ऐसे में बैलेट पेपर से चुनाव करवाना आज की तारीख में अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर वो होता है तो पता नहीं कितने दिन निकल जाएंगे नतीजों सामने आने में, और रही बात 100% पर्चियों का मिलान होने में, तो वो भी फिजिबल नहीं है, क्योंकि एक तरफ ईवीएम का रिजल्ट सामने आएगा, जो पहले वाली व्यवस्था थी क्या वही लागू रहेगी, जो रैंडमली कुछ चयन किया जाता था और वहां से पर्चियों का मिलान किया जाता था? बिल्कुल अखिलेश, वही व्यवस्था लागू रहेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि जो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक दलील दी, दलील लेते हुए ये कहा कि अब तक चुनाव आयोग ने करीबन 4 करोड़ के आसपास वीवीपैट और ईवीएम के जो नतीजे हैं उनका मिलान किया है और कहीं पर गड़बड़ी नहीं पाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की ये दलील थी कि अब तक जो मिलान किए गए हैं करीबन 4 करोड़ जो डाटा का, वहां गड़बड़ी नहीं पाई गई है, और वो एक अहम दलील थी, क्योंकि वैसे तो तमाम जो विपक्षी लोग थे, यानी कि वो लोग जो कि जो है वीवीपैट और ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे, वो लगातार ये कह रहे थे कि देखिए बहुत गड़बड़ी होती है, वीवीपैट में जो है पर्ची कोई और निकलती है, ईवीएम में बटन कोई और दबता है, लेकिन चुनाव आयोग का जो एक तरीके से जो जानकारी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिलाय किया है, और इसी वजह से इस वक्त के लिए सबसे बड़ी खबर यही है।